हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में यूएस। बात करेंगे आज यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के, क्या है बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आज चैनल पर पहली बार आई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मिलती रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 26/3/2022 को शिकायत दर्ज करवाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति विषय कार्रवाई शासन की निर्गत समय सारणी के अनुसार प्रचलित है। छात्रवृत्ति विद्यालय से सत्यापित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से लॉगिन आता है। उक्त के उपरांत छात्रवृत्ति डाटा हस्ताक्षर और लॉगिन से अग्रसित कर दिया जाता है। उसके पश्चात छात्रवृत्ति धनराशि निदेशालय DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा अंतरित की जाती है। इस तरीके से उन्होंने जो पहली बार रिपोर्ट लगा था, उसके बाद हमने जो एक असंतुष्टि जताई, तो उसके बाद इन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लगाया जो है, उपरोक्त शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति विषय कार्रवाई शासन के निर्गत समय सारणी के अनुसार प्रचलित है। छात्रवृत्ति विद्यालय से सत्यापित होकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर आता है। उक्त के उपरांत छात्रवृत्ति डाटा अधोहस्तरित से लॉगिन से अग्रसित कर दिया जाता है। उसके पश्चात छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशालय से DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा अंतरित की जाती है, तथा उक्त प्रकरण से निक्षेपित कर कष्ट करें। व्यूअर्स, इसमें होता है क्या, जैसे आपने स्कॉलरशिप फार्म भरा यूपी स्कॉलरशिप से, तो आप अपने कॉलेज पे जमा करते हैं, कॉलेज से अग्रसित किया जाता है जिला पर, और जिला से जो है कि NDBT जो है कि लखनऊ समाज कल्याण ऑफिस पे भेजा जाता है, वहाँ से जो है कि छात्रों को स्कॉलरशिप भेजने का कार्य किया जाता है। व्यूअर्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।